डायबिटीज क्या है? मेजोरिटी लोग नॉन कम्युनिकेबल से मर रहे हैं क्योंकि डायबिटीज को लोग बीमारी मानते ही नहीं। इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए गवर्नमेंट का। डायबिटीज क्यों हो जाती है? तो अगर ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? इतने लोग मर रहे हैं, कैसे इंडिया उनको बचा सकता है, क्या करे? डायबिटीज से हो क्या जाता है? हाउ कैन इंडिया टैकल इट्स डायबिटीज बर्डन? डायबिटीज क्या है? शुगर। वॉट एल्स? इंडिया के अंदर बहुत लोगों को डायबिटीज हो रही है। हाउ मेनी ऑफ योर पेरेंट्स हैव इट? हाउ मेनी ऑफ योर रिलेटिव्स ऑल्सो हैव इट? क्लोज रिलेटिव्स? लगभग सभी के घर में मतलब डायबिटीज का एक ना एक पेशेंट तो है। नाउ ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि सीधा डायबिटीज पे क्वेश्चन आए अनलाइकली है ना, क्योंकि यूपीएससी एक आर्टिकल को उठा के तो क्वेश्चन पूछने लगी। लेकिन इससे जो हमें कंटेंट मिलेगा हम उसे यूज करेंगे। तो शुरुआत में तो आप इसको ऐसा का ऐसा पूरा पूरा पढ़ोगे, पढ़ना भी चाहिए शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे आप सीजन्ड होते जाओगे, सीजन्ड मतलब आपको नॉलेज होती जाएगी, तो अब आप इसको कैसे प्लेस करना स्टार्ट करोगे कि भाई डायबिटीज कहाँ आती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल कैसे? कोई किसी को अपनी डायबिटीज दे सकता है क्या? लोग एक दूसरे को कोरोना दे रहे थे ना, तो कोरोना कैसा था? कम्युनिकेबल। कैंसर दिया जा सकता है क्या? कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस लाइक भाई मेरे हार्ट में ना वो हो गया है, क्या कहते हैं, ब्लॉकेज हो गई, तो थोड़ी तुम ले लो आदि आदि बात, नहीं हो सकता। तो यानी कि जो भी डिजीज कम्युनिकेट नहीं हो सकते वो क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और जो कम्युनिकेट हो सकते हैं वो क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज। डायबिटीज क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो किस पे आएगा? बड़े बड़ी चीज पे। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द चेंजेस दैट इंडिया शुड मेक इन देयर लाइफस्टाइल टू इम्प्रूव मोर्टैलिटी एंड और टू यू नो टू काउंटर द मोर्टैलिटी अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? भाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से इतने लोग मर रहे हैं, कैसे इंडिया उनको बचा सकता है, क्या करे? तो पहले बताना पड़ेगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, कौन कौन सी होती है, कितने परसेंट लोगों को होती है, कितने लोग इससे मर जाते हैं, और फिर बताना पड़ेगा कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या स्कीम्स हैं, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो जब हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो इसके अंदर से हम लोगों को कुछ डेटा मिलेगा, डेटा जो हमारे लिए बाद में इस आंसर में काम आएगा, ठीक है? तो हम छोटी सी इतना सा नोट्स बनाएंगे, अगर बनाएंगे भी तो डायबिटीज के बहुत बड़े नोट्स, पूरा पन्ना बना देंगे क्या? लिखना ही नहीं है जब पूरा पन्ना, तो पूरा पन्ना क्यों बनाएंगे? तो छोटा सा क्या बनाएंगे, सीधी बात पढ़ेंगे कि भाई बहुत लोगों ने पाया, इन्होंने रिपोर्ट करी, इन्होंने कुछ रिसर्च करी और पाया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इंडिया में बहुत बढ़ गई हैं, और अगर डेटा देखा जाए तो 11% पॉपुलेशन में, यानी इंडिया में 11% पॉपुलेशन के लोगों को डायबिटीज है और 15 प्री डायबिटिक। 15% क्या है? प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक मतलब एकदम थ्रेशहोल्ड पे होने वाले हैं डायबिटिक, अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया अपना शुगर कंजम्पशन तो डायबिटिक हो जाएंगे। तो यानी 11% ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया? इट्स अ बिग नंबर। यानी कि अगर हम देखा जाए तो लगभग 10 करोड़ लोग इंडिया के अंदर डायबिटीज से लड़ रहे हैं, डायबिटीज उनको हो चुकी है, और 15 करोड़ लोग क्या हैं? प्री डायबिटिक लगभग। समझ में आ रहा है? तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे डायबिटीज क्यों हो जाती है? शुगर खाने से बहुत ज्यादा, और एक्सरसाइज ना करने से, बैठे रहने से। तो अगर ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करो, मीठा कम खाओ, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल मत रखो। सिंपल, योगा करो, दौड़ो भागो, है ना, स्टेयर्स लो, यही सब कार्यक्रम है। अगर डायबिटीज हो चुकी है तो दवाइयाँ टाइम पे लो,
ऐसे नहीं सुना कि जिनके डायबिटीज हो जाती है कि भाई मल्टीग्रेन रोटी खाओ, क्यों खाओ मल्टीग्रेन रोटी? फाइबर, फाइबर इंक्रीजेस शुगर लेवल डिक्रीजेस, वही लिखना है इसमें। पढ़ के पढ़ लो और अपनी दादाजी और नाना जी से और इन सब बातें करके समझ लो, एक ही बात है ठीक है। यही ये बताएंगे कि भाई ये इसके अंदर कुछ काम का नहीं है बाकी, लेकिन जो काम की बातें थी वो हमने देख ली कि भाई डायबिटीज होती क्या है, कितने परसेंटेज लोगों को है और डायबिटीज से हो क्या जाता है, क्या 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 कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वूंड्स डोंट हील, जिनके डायबिटीज है अगर उनके कोई जख्म हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए आसानी से ठीक, दे गेट टायर्ड इजली, बहुत जल्दी थके थके रहते हैं, हमेशा परेशान से थके से रहते हैं, और ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस हो जाती है बिल्कुल, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और सारी लाइफ प्रोसेसेस पे असर पड़ता है, पूरे शरीर पे असर पड़ता है, क्योंकि जब शुगर फ्लक्चुएट करती है तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे असर पड़ता है। यही बात यहाँ लिखी है, तुम लोगों ने बता दी, लिखी भी है, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होता है और ठीक क्या कर। और इसमें दो बातें और बताएंगे कि कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में डायबिटीज कम होगी कि ज्यादा होगी, नॉर्थ ईस्ट में भी बढ़ रही है जबकि वहां की लाइफस्टाइल और फूड को हम बहुत अच्छा मानते हैं। रूरल में ज्यादा होगी कि अर्बन में ज्यादा होगी डायबिटीज? अर्बन में ज्यादा होगी, वो भी परसेंटेज इन लोगों ने लिखी हुई है कि भाई अगर हम देखें तो अर्बन में ज्यादा है, रूरल में कम है। तो कुल मिला के इसमें से हमें काम की इंफॉर्मेशन कितनी निकालनी है, सिर्फ पहली चीज डायबिटीज होती क्या है, किस में आती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कौन से होते हैं ये पता करना है, कितने परसेंटेज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं इंडिया के अंदर, मतलब कितना परसेंटेज लोग अगर डिजीज से मरते हैं तो नॉन कम्युनिकेबल से कितने परसेंट मरते हैं, 75, मेजॉरिटी लोग नॉन कम्युनिकेबल से मर रहे हैं, लेकिन हमारा सारा ध्यान किस पे, क्योंकि डायबिटीज को लोग बीमारी मानते ही नहीं, तो ये इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिए तो वो ध्यान किसका लेकर आएगी, फ्यूचर ऑफिसर्स का, तुम्हें नॉन कम्युनिकेबल क्यों होना, हटाना चाहिए, कैसे हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो गया टॉपिक। तो डायबिटीज का कितना सा पोर्शन है उसमें, छोटा सा, लेकिन उसने हमें टॉपिक तक पहुंचा दिया। ओके।